लोकसभा में शनिवार को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक पास हो गया है। इससे पहले सदन में जम्मू कश्मीर को लेकर लंबी चर्चा हुई। विपक्ष ने भी तमाम सवाल उठाए। धारा 370 हटाए जाने के बाद राज्य के हालातों पर भी सवाल उठाए गए। साथ ही पूछा गया कि वहां क्या बदल गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष के उठाए सभी सवालों पर विस्तार से जवाब दिया। अमित शाह ने पूर्व राज्य का दर्जा देने पर कहा कि उपयुक्त समय पर किया जाएगा। जम्मू कश्मीर में मोदी सरकार के काम को गिनाते हुए शाह ने कहा कि जितना काम पूर्व की सरकारों ने चार पीढ़ियों में किया है, उतना काम हमने 17 महीनों में कर दिखाया है। शाह ने यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर में परंपराएं बदल रही हैं। इस चुनाव में अफसर का उपयोग किया गया, सबने भय रहित होकर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान किया है और मान्यवर 51% मतदान पंचायत के चुनाव में हुआ है और जिन्होंने धारा 370 वापिस लाने के आधार पर चुनाव लड़ा था वो साफ हो गए। साफ कश्मीर की जनता का मैंडेट भी उनके साथ नहीं रहा, चुनाव हारे हैं। मान्यवर दिसंबर 2018 में नीचे के पंचायत के चुनाव की, जिसमें 74% लोगों ने अपने वोट डाले, 74.1%। कश्मीर के इतिहास में इतना मतदान कभी नहीं हुआ। मान्यवर कुल 4483 सरपंच निर्वाचित क्षेत्रों में से 3650 सरपंच निर्वाचित हुए। 35029 क्षेत्रों से 33000 पंच निर्वाचित हुए। अब वहां पर राजे रानी के पेट से नहीं जन्म लेंगे मान्यवर, वोट मत पत्रक से लेंगे। ये इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। आज जो पंच बना है, जो सरपंच बना है, जो जिला पंचायत का सदस्य बना है, कल एमएलए बनेगा, किसी की कृपा की जरूरत नहीं है। जम्मू कश्मीर की आवाम उसको अपना नेता बना लेगी और नए नेता चुन कर आएंगे जो विकास में मानेंगे।